दोस्तों, दिस इज मान फ्रॉम नेक्स्ट टेक फाइंडर। यहां पर जी इन्फिनिक्स का एक और धमाकेदार फोन आ चुका है, इन्फिनिक्स नोट 11। अमेजिंग प्राइस टैग के साथ आया है। इसमें दो वेरिएंट आ रहे हैं, 4GB RAM 128GB और 6GB RAM 128GB। यहाँ पर अमेजिंग प्राइस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस में आ रहा है, शायद ही कोई और कंपनी देती हो। यहाँ पर आपको 4GB RAM और 128GB वाला जो वेरिएंट है, यहाँ पर अगर आप दराज पर प्री ऑर्डर करते हैं, जो कि 15 से लेकर 18 तक स्टार्ट है, यही फ़ोन आपको मिलेगा जी 28,999 रुपये का। जी हाँ, एमोलेड डिस्प्ले है, 28,999 का मिलेगा प्री बुकिंग करने पर। अगर आप प्री बुकिंग नहीं करते, भूल जाते हैं या आप किसी वजह से मिस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप नवंबर के अंदर इस फ़ोन को बाय करते हैं तो यही फ़ोन आपको मिलेगा 29,999 का। अगर आप नवंबर में बाय नहीं करते, फिर जो इसके ओरिजिनल प्राइस हैं वो 30,999 रखे गए हैं। अगर आप नवंबर में बाय नहीं करते, बाद में लेते हैं, तो ये फ़ोन आपको 30,999 का मिलेगा, 4GB RAM और 128GB वाला। यहाँ पर जो इसमें 6GB RAM और 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी भी प्री बुकिंग चल रही है ओनली दराज पर। आप दराज पर बाय कर सकते हैं अगर आप अभी इसकी प्री बुकिंग करते हैं आज से लेकर 18 डेट तक। ये फ़ोन आपको 31,999 का मिलेगा। अगर आप यहाँ पर इसकी प्री बुकिंग नहीं करते, तो आप नवंबर के अंदर ये फ़ोन बाय करते हैं, तो ये फ़ोन मिलेगा आपको 32,999 का। यहां पर अगर आप नवंबर में भी इससे बाय करते, बाद में जब आप लेंगे, यही फोन आपको मिलेगा 33,999 का। यहां पर 6GB RAM और 128GB, 4GB RAM 128GB दोनों वेरिएंट अवेलेबल हैं दराज पर। यहां पर इसके अंदर इसका डिस्प्ले नहीं कमाल का, इसमें और भी फीचर्स बड़े कमाल के हैं। 50 मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा मिल रहा है, नाइट विजन भी मिल रहा है, आपको सेल्फी में भी नाइट विजन मिलेगा। यहाँ पर चिपसेट भी इसमें कमाल की दी गई है। चलिए यहाँ पर इस फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और मज़ीद फीचर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा जी इन्फिनिक्स नोट 11 का बॉक्स। यहाँ पर हमें इन्फिनिक्स लिखा हुआ मिल जाता है, 4GB RAM और 128GB वाला ये वेरिएंट है, नोट 11, एमोलेड डिस्प्ले 6.7 इंच, फुल HD+, विविड एमोलेड यहाँ पर डिस्प्ले मिल रहा है हमें। इसकी बैक साइड पर हमें कुछ इसके हाईलाइट फीचर्स मिल जाते हैं, बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये जी बॉक्स ओपन किया, ग्रीन के बाद हमें मिलता है एक वाइट बॉक्स, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। सामने ही मिलता है जी हमें यहाँ पर फ़ोन इन्फिनिक्स नोट 11। यहाँ पर भी हमें इसके कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए मिल रहे हैं, एमोलेड। यहाँ पर हमें इसका G88 हमें यहाँ पर ड्यूल प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको 33 वाट 5000 mAh की बैटरी के साथ एक्स चार्जिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल यहाँ पर हमें इसका कैमरा मिल रहा है। यहाँ पर जिसको पेपर से हम कर लेते हैं रिमूव, वाओ कूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट लुक, बैक काफ़ी प्यारी बनाई गई है। मैं यहाँ पर इसका बैक पेपर भी रिमूव कर लेता हूँ। ये जी इन्फिनिक्स, और यहाँ पर डिज़ाइन है ना कमाल का है, न्यू डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कैमरा मिल रहा है, एक कैमरा यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ पर हमें 4 LED लाइट मिल रही है। काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है, मैं तो इम्प्रेस हो गया इस फ़ोन को देखकर। यहाँ पर जी फ्रंट साइड पर देखे जाए तो यहाँ पर हमें वाटर ड्रॉप एक डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ पर कैमरा है, काफ़ी प्यारा लगता है। एमोलेड यहाँ पर ये डिस्प्ले है। यहाँ पर फोन की नीचे वाली साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें हैंड फ्री का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर माइक मिल रहा है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट हमें इसमें मिल रही है। यहाँ पर एक स्पीकर मिल रहा है, काफ़ी कमाल की आवाज़ होने वाली है। यहाँ पर बिल्कुल प्लेन बॉडी यहाँ पर हमें मिल रहा है जी। फिंगरप्रिंट सेंसर, वाले बटन डाउन, वाले बटन आप, ऊपर वाली साइड पे देखें तो बिल्कुल प्लेन बॉडी मिल रही है। यहाँ पर जी सिम डालने का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, बिल्कुल प्लेन बॉडी है। बैक है वो काफ़ी कमाल की है, बैक के साथ साथ इसके अंदर जो हार्डवेयर है वो भी कमाल का है, इसके जो फीचर्स हैं वो भी कमाल के हैं। ऑन कर लेते हैं जी, पावर बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम अपने फ़ोन को करते हैं ऑन, इन्फिनिक्स पावर बाय एंड्रॉयड। जब तक हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, हम बॉक्स में देख लेते हैं हमें और क्या क्या मिलता है। यहाँ पर अंदर एक वाइट बॉक्स मिल रहा है, इसको ओपन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी हमें मिलता है एक सिलिकॉन कवर, कूल, काफ़ी प्यारा कवर दिया गया है। यहाँ पर लगा लेते हैं, देखते हैं हमारा फ़ोन कैसा लगता है। कवर लगाने के बाद तो इसकी लुक ही और हो जाती है भाई, काफ़ी प्यारा लग रहा है। कवर आपको साथ दे दिया कंपनी ने, मार्केट से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मज़ीद बॉक्स में देखें तो हमें यहाँ पर जी एक चार्जर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा चार्जर है यहाँ पर इन्फिनिक्स, अंदर से ऑरेंज पोर्ट है। यहाँ पर देखा जाए तो ये चार्जर हमें 33 वाट का देखने को मिल रहा है, काफ़ी जल्दी हमारे फ़ोन को चार्ज कर देगा। यहाँ पर हमें इसमें 1X गोल्ड देखने को मिल रहा है।
एक्स क्लब के बारे में नहीं पता, बता देता हूँ। एक्स क्लब एक सोशल मीडिया ऐप है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह की आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे गिफ्ट हैंपर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इसमें एक्सपायर मिल रहा है, यहाँ पर आप फ़ोन भी जीत सकते हैं। यहाँ पर मजीद बॉक्स में देखा जाए तो हमें यहाँ पर एक डाटा केबल देखने को मिल रही है, सी टाइप। ये डाटा केबल है, काफ़ी जल्दी हमारे फ़ोन को चार्ज कर देगी। चलें जी, यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो गया। हम आते हैं यहाँ पर अपने फ़ोन की तरफ, इसका सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले की फर्स्ट लुक, काफ़ी कलरफुल डिस्प्ले है। कलरफुल क्यों ना हो, क्योंकि हमें एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी कम प्राइस में। मैं कहता हूँ कोई भी फ़ोन लगा लें आप, जो इस प्राइस में ये फ़ोन आया ना, कोई भी फ़ोन इसको कम्प्लीट नहीं कर सकता जो आपको एमोलेड डिस्प्ले दे। जी हाँ, यहाँ पर 720 डिस्प्ले तो हर फ़ोन दे देता है, पर यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले तो मिल रहा है। यहाँ पर हमें इसकी स्क्रीन भी काफ़ी बिग मिल रही है, 6.7 इंच हमें यहाँ पर स्क्रीन साइज़ देखो मिल रहा है। यहाँ पर मैं YouTube प्ले कर लेता हूँ, काफ़ी HD वीडियो आप इस पर प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ आपके सामने, लाइव YouTube से प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुली HD वीडियो ये प्ले करता है। यहाँ पर हमें इसके अंदर फुल HD प्लस डिस्प्ले देखो मिल रहा है, 1080x2400 पिक्सल। यहाँ पर हमें 650 नाइट्स पीक्स ब्राइटनेस मिल रही है। यहाँ पर 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो हमें मिल रहा है। यहाँ पर देखें वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, यहाँ पर काफ़ी प्यारा लगता है जब LCD पे आप कोई भी चीज़ देखते हैं। यहाँ पर आप पूछेंगे भाई एमोलेड क्यों है, विविड कलर प्रोटेक्शन है इसमें, आपको यहाँ पर बेटर यहाँ पर आपको कलर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, अगर आप धूप के अंदर भी जाते हैं तो आपको यहाँ पर वो परेशानी नहीं होती कि अगर हमारी स्क्रीन ना मध्यम होती है, ज़्यादा लाइट होती है तो इतना वो नहीं होता। यहाँ पर अगर डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें 7.9 mm अल्ट्रा स्लीक सिम एंड लाइट डिज़ाइन देखने मिल रहा है। काफ़ी कम वेट है इसका, ना होने के बराबर यह 184 ग्राम हमें यहाँ पर इसका वेट देखने को मिल रहा है। 7.9 mm अल्ट्रा स्लीक बॉडी मिल रही है इस फ़ोन की। यहाँ पर बैक की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर ग्लास टाइप बैक देखने को मिल रही है, मैट बैक है। यहाँ पर स्क्रैच नहीं लगेंगे, स्क्रैच लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसकी बैक ही ऐसी मैट टाइप बना दी गई है। ग्लॉसी लुक आ रही है हमें इस फ़ोन के अंदर। हम कैमरे की बात कर लेते हैं, बैक में हमें यहाँ पर 3 कैमरे देखने को मिल रहे हैं। मेन कैमरा हमें यहाँ पर 50 MP का मिल रहा है। कैमरे को ऑन कर लेता हूँ, कैमरे में हमें काफ़ी अच्छे फीचर मिलेंगे। फर्स्ट में ही आपको मिलेगा इसमें शॉर्ट का ऑप्शन, आगे आपको इसके अंदर वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। वीडियो में आप यहां पर 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080 और 720 भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको AI कैम मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इसके अंदर ब्यूटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कैमरे की बात करें तो मेन कैमरा जो 50 MP का है, 1.6 अपर्चर के साथ मिल रहा है। यहाँ पर प्रोफेशनल नाइट आप इसके अंदर तस्वीरें ले सकते हैं, प्रोफेशनल पिक्चरें ले सकते हैं रात के अंदर। यहाँ पर आपको 2 MP का बूके लेंस देखने को मिलेगा, 2.4 अपर्चर के साथ इस फ़ोन के अंदर दिया गया है। यहाँ पर आपको इसके अंदर AI लेंस मिल जाएगा, इसको आप तस्वीर ले जाते हैं वो काफ़ी अच्छे से उसको फोकस कर लेता है। यहाँ पर आपको इसके अंदर पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, बैकग्राउंड जो ब्लर करना चाहते हैं ये भी कमाल है। सुपर नाइट का सेपरेट से ऑप्शन है, जो नाइट में आप तस्वीर लेंगे वो काफ़ी कमाल की आएगी। ऊपर अगर आप कर लेंगे तो और भी आपको फीचर मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियो, वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, यहाँ पर AR शॉट, स्लोमो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इस प्राइस टैग के अंदर काफ़ी कम फ़ोन है जो आपको स्लो मोशन दे रहे हैं। पैनोरामा प्रो का डॉक्यूमेंट टाइम लैप्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर 16 MP मिलेगा। फ्रंट कैमरे में भी आप नाइट विजन के अंदर पिक्चरें ले सकते हैं, ये फास्ट ऑटो फोकस करेगा और फास्ट ही तस्वीरें आप इसमें ले सकते हैं। फ्रंट पे आपको ड्यूल LED लाइट मिल जाएगी, बैक साइड पर भी आपको क्वाड LED लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर कैमरे तो कमाल की दिए गए हैं। यहाँ पर हमें MediaTek Helio G88 ड्यूल चिपसेट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक तो मिलेगी MediaTek Helio G88, उसके साथ आपको मिलेगी जो दूसरी A75 and 6A55 प्रोसेसर हमें इसमें देखने को मिलेगा। जो दूसरा है, जब आप इसमें हार्डनेस वर्क करेंगे, गेम्स खेलेंगे तो दूसरा जब चलेगा इसकी परफॉर्मेंस है और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, काफ़ी मज़ा आएगा। अगर बात करें तो ये स्नैपड्रैगन से ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पर आप इस फ़ोन के अंदर गेमिंग करेंगे वहाँ पर बैटरी भी खर्च होगी, इसका मसला भी infinix ने हल कर दिया। आपको इस फ़ोन के अंदर फास्ट चार्जिंग मिलेगी। यहाँ पर बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको 5000 mAh की इसमें बैटरी मिल रही है, 33 W पर यहाँ पर सुपर फास्ट चार्जिंग ये फ़ोन हो जाएगा। जितनी मर्जी गेमें खेलें बैटरी का डर नहीं है, जल्दी से चार्जिंग लगाना और बहुत जल्द ही आपका ये फ़ोन चार्ज हो जाएगा। काफ़ी कमाल का फ़ोन है। यहाँ पर इस फ़ोन के मज़ीद फीचर्स की हम बात करें तो हमें इसके अंदर एंड्रॉयड का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिल रहा है, एंड्रॉयड 11,
काफ़ी मज़ा आ रहा है इसके जो सॉफ्टवेयर को मैं प्ले कर रहा हूँ, काफ़ी फास्टली चल रहा है। यहाँ पर हमें इसके अंदर ड्यूल स्पीकर देखने को मिल रहा है, ये भी स्पीकर वर्क करेगा, ऊपर वाला भी करेगा। यहाँ पर मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ इसकी आवाज़ कैसी है। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं, यहाँ पर जी हम रिंग टून वन में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मज़े की आवाज़ है, ऊपर से भी आ रही है नीचे से भी आ रही है। ड्यूल स्पीकर इसके वर्क करते हैं और यहाँ पर जो इसका साउंड है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कलर की बात करो तो इस फ़ोन में हमें तीन कलर आएंगे, एक तो ये मेरे हाथ में है, एक आपको यहाँ पर ब्लैक कलर आएगा और एक हमें इसमें ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा। ये कलर इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आपको इस फ़ोन के अंदर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और काफ़ी फास्ट इसका फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करता है। यहाँ पर जब मैं इसका रिव्यू करूँगा उसमें हर चीज़ मैं एक से एक आपको बता दूंगा। तो व्यूअर ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।